Impulah pina kena turangan meramal terbu kini ngone lewa. Impulah pina ngone. Kalau kita kini merata itu orang tapi tinggung mian na biar lipa ni Radio Fiji One nanti bayi biti na bunga ni biar mian. Oya upi orang tuan kena meni daun biang kerabi. Nama kia mui daun kita tiri kerua moni tiki na baru buka. Ene wasi ngono baru taki kilo moni koro ilu tu na kerum. तथा अब सोमवार की राह देख रहे हैं। नमस्ते मालवा का कहना है कि 8 सालों बाद लोग पार्लियामेंट में हाई लेवल डिबेट की आशा कर सकते हैं, जबकि प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स पार्लियामेंट का हिस्सा है। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पार्लियामेंट को $1.5 मिलियन लागत ICT इक्विपमेंट्स प्रदान किया है। इनमें हैंडसेट रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी शामिल है ताकि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का सही रिकॉर्डिंग किया जा सके। सोमवार को शपथ समारोह यानी कि स्वेयरिंग इन सेरेमनी को FBC टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। जूरे का मौसम अगर इस तरह से जारी रहा तब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को वेस्टर्न रिसर्च स्टेशन से लाइव स्टॉक को अन्य जगह खिसकाना होगा। प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर वेस्ट विनेश कुमार का कहना है कि कम बारिश की वजह से जानवरों के लिए हरे घास की कमी का सामना किया जा रहा है। किसानों से मांग की गई है कि वे झूरे के इस मौसम में अपने जानवरों का खास ध्यान रखें। फिजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी कि फाइकेक के अनुसार सोडेल्पा मेंबर लेसन यंगरसे पर चल रही छानबीन पर वे अभी कोई बयान जारी नहीं कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन से कुछ सप्ताह पहले गरसे ने जातीय भेदभाव को लेकर बयान जारी किया था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि फिजी में कभी भी हर किसी को बराबर की नागरिकता नहीं मिल सकती तथा फिजी को ईश्वर ने केवल इतो के लोगों को दिया है। उन्होंने बैलेट पेपर में नंबर्स 135 और 136 को लेकर भी उंगली उठाई थी, जबकि उनका मानना था कि नंबर्स को कुरान से निकाला गया था। इलेक्टोरल कमीशन के अनुसार गरसे द्वारा जारी ये बयान बिल्कुल गलत थे तथा मामले में छानबीन की जा रही है। गरसे वर्तमान समय US में है। FBC न्यूज ने उन्हें संपर्क करने की कोशिश कई बार की, हालांकि असफल रहे। और खेलकूद में रेवा फुटबॉल साइड कल कोट्स इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप मैच के तहत नंद्रोंगा के खिलाफ अपने ओपनिंग मैच में खिलाड़ी यूसुफ विरवो की कमी महसूस करेंगे। विरवो को अगले 3 सालों के लिए फुटबॉल खेलने से सस्पेंड किया गया है, जबकि उन्होंने मई में कैंप का उल्लंघन किया था जब वे फिजी अंडर 20 साइड का हिस्सा थे। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। मिर्ची FM पर रफ्तार में मैं आपके हम सफर साथी कृष्णील शामिल हो चुका हूँ। और पीजी में विदेश में आप जहाँ कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं, कृष्णील का प्यार आप तमाम दोस्तों तक पहुँचे। हेलो गाइस, मैं हूँ DJ कृष्णील। आप हमें सुन सकते हैं मिर्ची FM रफ्तार में मंडे टू फ्राइडे शाम 3 से लेकर रात 7 तक हम आपको रॉक कराएंगे। मिर्ची FM इट्स हॉट। अब दिल करता है हाले हाले से, मैं तो खुद को गले लगा।